दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना नागेंद्र जो है और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नागेंद्र अमूल्य में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्म तासीर वालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गर्म तासीर आपने देखा होगा, कई व्यक्ति होते हैं जो बाहर निकलते हैं धूप में और इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है, पसीने पसीने, या आपने देखा होगा थोड़ी दूर गए और बगल में पसीना आने लग जाएगा, पूरे शरीर में पसीना आने लग जाएगा। दोस्तों इसी को ही कहते हैं गर्म तासीर वाले लोग। दोस्तों उनके शरीर के अंदर बहुत अधिक गर्मी होती है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी इतनी अधिक होती है कि जो पसीना आता है उसमें बहुत ज्यादा बदबू आने लग जाती है। दोस्तों अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ ऐसे निकल भी गया ना साथ में, तो उसको भी इतनी स्मेल महसूस होगी कि यार ये व्यक्ति में दिक्कत है। दोस्तों वो व्यक्ति जिसको गर्म तासीर है, जिसके शरीर गर्मी है, जिसके शरीर में, उस व्यक्ति के अगर आप देखेंगे ना तो जूतों में, जी हाँ दोस्तों, जब भी वो जूते उतारेगा उसके जूतों में इतनी स्मेल आएगी, पसीने से भर जाएगा उसका जूता। बाहर गया धूप के अंदर और बॉडी में एकदम जलन सी, चुभन सी महसूस हो जाएगी। आपने देखो उन व्यक्तियों के ना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खुजली और दाने होते हैं। दोस्तों यही वो दिक्कत है कि गर्म तासीर वालों के साथ कभी कभी दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि हमें डाइजेशन की भी दिक्कत आने लग जाती है, और हमें जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लगता ही नहीं है, मतलब दुबले पतले, डाइजेशन खत्म, भूख खत्म हो जाती है, कब्ज की शिकायत होने चालू हो जाती है। तो दोस्तों गर्म तासीर वाले लोग अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी आगे चलकर बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। खैर आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा नुस्खा है जिसको दोस्तों आपने 20 दिन अगर यूज कर लिया ना, जी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 दिन अगर इस नुस्खे को आपने यूज कर लिया, तरीके से खा लिया, तो दोस्तों ये जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है, आपका खून गर्म हो चुका है, वो ठंडा होने लग जाएगा, और ये जो तमाम तरह की परेशानी आ रही थी, पसीना ज्यादा आ रहा था, बदबू आ रही थी, खुजली पैदा हो रही थी, कब्ज रह रही थी, और भी कई परेशानियां हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इतना गजब का नुस्खा है, रामबाण नुस्खा है दोस्तों, आप एक बार यूज करके देखिए, 3 से 4 दिन आप खुद महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर। और अगर आपने 20 दिन लगातार ये कर लिया तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जिंदगी में आपके साथ कभी आएगी नहीं। दोस्तों करना क्या है, बाजार जाना है, बाजार से इमली लेके आनी है। जी हाँ दोस्तों, इमली जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, सब्जियों में डालते हैं। और क्या करना है दोस्तों, आपने देखा होगा आलू बुखारा। जी हाँ दोस्तों, फ्रूट्स वगैरह की दुकान पे मिलता है, जो ये ठेले वगैरह लगाते हैं उनके पास मिल जाएगा। तो आधा किलो ले आइए आप, आधा किलो आलू बुखारा। और क्या करना है दोस्तों, आपको चाहिए गुड़। गुड़ मिलेगा दोस्तों आपको पंसारी की दुकान पे, उसके पास जाइए, उसको बोलिए पुराने से पुराना गुड़ दे दीजिए। जितना ज्यादा पुराना गुड़ होगा दोस्तों, इतना ज्यादा बेनिफिट होंगे। अब आप पहचानेंगे कैसे दोस्तों कि पुराना गुड़ कौन सा है? दोस्तों जो गुड़ आपको देंगे वो तो देखना, वो थोड़ा काला होगा, तो काला देख के आप छोड़ मत आना, क्योंकि काले की पहचान है कि ये इसमें गुणवत्ता ज्यादा, मतलब इसमें इसके जो गुण है वो ज्यादा है। जितना ज्यादा पुराना गुड़ होगा उसमें गुणवत्ता ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप उसको बोलिए यार 5-7 साल 10 साल पुराना कोई गुड़ पड़ा हो तो बहुत ही फायदेमंद है। तीनों चीज ले आइए। अब करना क्या है दोस्तों, एक गिलास पानी के अंदर 200 मिलीलीटर पानी भर लीजिए, उसको कांच के गिलास में रख लीजिए या कोई आपके पास मिट्टी का बर्तन हो उसके अंदर रख लीजिए, और 4 से 5 ग्राम, जी हाँ दोस्तों 4 से 5 ग्राम आपको इमली डालनी है उसके अंदर। इमली डालने के बाद उसके अंदर अगर आलू बुखारा का साइज छोटा है तो 2 डाल दीजिए, और अगर मीडियम साइज का है तो 1 आलू बुखारा उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों आप अपने स्वाद अनुसार, जी हाँ दोस्तों जैसा आपको स्वाद चाहिए उसके अनुसार उतना गुड़ डाल लीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, और लगता है यार नॉर्मल, तो इतना कम से कम गुड़ उसमें डाल दीजिए, और उसको दोस्तों पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद सुबह उठिए, फ्रेश होके आइए, मुंह धोइए, उसके बाद वो जो आलू बुखारा और इमली थी उसको इस तरीके से मैश करके उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद चम्मच से उसको घोलिए गिलास में और पी जाइए।
एक घंटे तक दिया दोस्तों, जब आप ये पिए उसके एक घंटे तक कुछ ना खाएं ना पिए। 20 दिन करके देख लीजिए दोस्तों, 21वें दिन आप खुद महसूस करेंगे कि यार वाकई में गजब नुस्खा है। फर्क तो आपको 3 से 4 दिन में ही पड़ जाएगा, लेकिन जड़ से खत्म करना है तो 20 से 25 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों करके देखिए, गर्म तासीर अगर बॉडी के अंदर है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, ये आपकी सेक्स लाइफ को भी बर्बाद कर देगी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, पसीना ज्यादा आ रहा है, खुजली रहती है शरीर के अंदर, डाइजेशन ठीक नहीं है, कब्ज रहती है, बदबू आती है शरीर के अंदर पसीने में, जूतों के अंदर बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं जिसके कारण बदबू पैदा हो जाती है, तो सावधान हो जाइए और ये नुस्खा अपनाइए, करके देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी एक नए वीडियो पे, किसी एक नए टॉपिक पे। नमस्कार।